Good morning everyone. Today we will do the exercise 6.4 in which we will discuss division as a repeated subtraction. Beta, repeated subtraction is another name for division. Division का जो दूसरा नाम होता है वो repeated subtraction होता है. जिस तरीके से हम multiplication को repeated addition कहते हैं, in the same way हम division को repeated subtraction कहते हैं. हमें जब तक वो नंबर जो हमारा डिवाइजर है तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक हमें जीरो नहीं मिल जाता. इज इट क्लियर? यस बेटा, इन दिस एक्सरसाइज वी विल सॉल्व द सम ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज 16 डिवाइड 8. यहाँ पर हमने चेक करना है बेटा कि हाउ मेनी टाइम्स डज 8 गो इन 16, कि 8 कितने टाइम 16 में से जा सकता है. सो लुक एट हेयर, 16 माइनस 8 इज 8 एंड 8 माइनस 8 इज 0. हमने बेटा तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक हमारे पास आंसर जीरो नहीं आ जाता. फिर हमने उन स्टेप्स को काउंट करना है कि हमें कितने स्टेप्स लग गए जीरो को लाने में. 1, 2, सो द आंसर इज 2. और आप भी चेक कर सकते हैं बेटा, 8 टू 16, राइट. द नेक्स्ट इज 18 डिवाइड बाय 6. अब यहाँ पर हमने देखना है कि आपका हाउ मेनी टाइम्स डज 6 गो इन 18. सो 18 माइनस 6 इज 12, 12 माइनस 6 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0. सो हाउ मेनी स्टेप वी विल गेट 0 इन 3 स्टेप्स. 1, 2, 3. सो आंसर इज 3. 6 3 इज 18. अगेन इज 40 डिवाइड बाय 10. अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है. जब हमने 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल बी गेट, 30. 30 माइनस 10 इज, जो आंसर आता है बेटा उसमें से सेम जो डिवाइजर है हमारा उसको सब्ट्रैक्ट करते रहना है जब तक हमें जीरो ना मिल जाए. सो 40 में से जब हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया, व्हाट विल बी गेट, हमें क्या मिल गया, 30. फिर उस 30 में से हमें 10 को अगेन सब्ट्रैक्ट करना है. अब हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, 20. 20 में से अगेन आप सब्ट्रैक्ट करें, वी गेट 10 एंड 10 माइनस 10 इज 0. सो कितने स्टेप्स लग गए बेटा हमें जीरो मिलने में, 1, 2, 3, 4. सो द आंसर इज 4. सो 10 4 इज 40. वी विल फाइंड द आंसर और यू विल से क्वेश्चन राइट लाइक दिस वे इन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. आपने जब तक डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट करते रहना बेटा जब तक आपको जीरो नहीं मिल जाता हो. नाउ द क्वेश्चन बी, फाइंड द क्वेश्चन बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हमने इस क्वेश्चन को नोटबुक में करना है. इज इट क्लियर? सी क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे बेटा, इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस. हमने जो क्वेश्चन बी है इसको हम नोटबुक में करेंगे. इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो नाउ द बी क्वेश्चन, फाइंड द क्वेश्चन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अगर बेटा आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपने सम को सॉल्व करना है, क्वेश्चन निकालना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, तो आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट. इसमें आप डायरेक्ट डिवीजन करके आंसर नहीं निकाल सकते, आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके दिखाना पड़ेगा. सो लुक एट हेयर, नाउ वी सॉल्व दिस सम, 27 माइनस 9. सो 27 माइनस 9 इज 18. अगेन अभी हमें जीरो नहीं मिला तो हम 9 को दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा. 18 माइनस 9 इज 9 एंड 9 माइनस 9 इज 0. तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पर हमने स्टेप्स को काउंट करना है, इट्स फर्स्ट, इट्स सेकेंड, इट्स थर्ड वन. सो द आंसर इज 27 डिवाइड बाय 9 इज 3. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ वी विल टेक द सेकेंड पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट बी इज 24 डिवाइड बाय 6. तो यहां पर हमने बेटा 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है. 24 माइनस 6 इज 18, 18 माइनस 6 इज 12, 12 माइनस 6 इज 6 एंड 6 माइनस 6 इज 0. सो हमें बेटा कितने स्टेप्स में जीरो मिला, 1, 2, 3, 4.
हमने 4 टाइम्स 6 को सब्ट्रैक्ट किया है, 1, 2, 3, 4, सो द आंसर इज 4. इज इट क्लियर टू ऑल? थर्ड इज 35 डिवाइड बाय 7. यहां पर हम 35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. हमने देखना है कि हमें कब जीरो मिलता है, हम कितनी बार 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें कब तक जीरो मिलता है. सो वी विल सॉल्व दिस सम. 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 इज यस 28. अब हम इसको बेटे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर 28 लिखा, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम इट. सो 28 माइनस 7 इज 21. अगेन वी सब्ट्रैक्ट, 21 माइनस 7 इज यस, व्हाट इज 21 माइनस 7 इज बेटा 14. नाउ 14 माइनस 7 इज 7, एंड इन द लास्ट 7 माइनस 7 इज 0. सो हाउ मेनी टाइम्स वी सब्ट्रैक्ट द 7 फ्रॉम 35? हमने 35 में से कितनी बार 7 को सब्ट्रैक्ट किया बेटा? 1, 2, 3, 4, 5. सो द आंसर इज 5. हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं बेटा, और हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं. बोथ आर राइट. नाउ द फोर्थ वन इज 48 डिवाइड बाय 6. यू विल डू योर सेल्फ, एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑल्सो यू कैन डू योर सेल्फ. 56 डिवाइड बाय 7. इज इट क्लियर टू ऑल? थैंक यू. हैव अ नाइस डे.